नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, राजस्थान GNM भर्ती 2018। दोस्तों, कल से जब से अपडेट किया गया है 18 मार्च का सुभाष रोत वाले मामले की सुनवाई को लेकर के, तभी से आप लोग बहुत चिंतित हो चुके हैं कि इतनी लंबी डेट क्यों दी कोर्ट ने। तो दोस्तों, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो में प्रमाण के साथ बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, हमें यहां पर केस स्टेटस को देख लेना है। देखिए, केस स्टेटस का यहां पर विंडो यहां पर खुला हुआ है, देखो देख सकते हैं आप लोग। यहां पर हमें सेलेक्ट करना है जयपुर, ठीक है। जयपुर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हाईकोर्ट सर्वर पर, और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सुभाष चंद्र रोत का जो मामला है उसका याचिका नंबर है 13868, ठीक है। ये याचिका नंबर आप लोगों को याद होना चाहिए, अगर आप खुद भी देखना चाहें तो। यहाँ पर हमने सिंपल सा यहाँ पर ये नंबर डाल देना है, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर ये आ चुका है, और उसके बाद हमें सर्च करना है। देखिए दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ पर बहुत गुड न्यूज हो सकती है आप लोगों की, और यहाँ पर संभावना है दोस्तों आपकी जो है वो। देखिए, सबसे पहले स्टेटस आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, और पूरी की पूरी जानकारी आपको इस पर मिलेगी दोस्तों। ये तो यहाँ पर पिटिशनर नेम है, याचिकाकर्ता है, ये रेस्पोंडेंट है, यानी कि इसके खिलाफ लगाई गई है। इनके एडवोकेट आप लोग देख सकते हैं, रेस्पोंडेंट एडवोकेट VV शर्मा, EG साहब हैं ये। अब दोस्तों, यहाँ तक का तो आपने देख लिया। यहाँ पर देखिए, आपको 18/3/2020 नज़र आएगा, लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो देखिए यहाँ पर लोड मोर फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए पेपर डिटेल्स, ये जो मामला है पेपर डिटेल्स का, यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए 16/368/2020 टाइप, यानी पावर शक्ति, और यहाँ पर डेट ऑफ फिलिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 29/2/2020, यानी कि दोस्तों इस केस में आज जो EG साहब हैं उन्होंने एक पेपर लगाया है, यानी कि एप्लीकेशन दायर की है। वो किसके लिए है दोस्तों? अर्ली हियरिंग के लिए, ठीक है। अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है कि इस केस को 18 मार्च को ना सुन करके उससे पहले सुना जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर संभावना मार्च के जो, यानी कल से महीना स्टार्ट हो रहा है, 1 मार्च, कल का तो संडे है, 2 मार्च से सोमवार है, तो उस वीक में होने की यहाँ पर 100% संभावनाएं हैं। और यहाँ पर पावर का यूज किया गया है, और ये होता है दोस्तों, कोई भी केस हो तो उसमें इस तरीके की एप्लीकेशंस लगा करके उसकी हियरिंग को पहले करवा लिया जाता है, और ये न्यायपालिका का एक हिस्सा है। और इसको यहाँ पर देखिए टाइप किया गया है, पावर यानी शक्ति का, जो अपने अधिकार है उनका प्रयोग करके इसको पहले सुनने के लिए कहा गया है कोर्ट से। ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। अब आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि ये केस जो आने वाला वीक है, 2 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है, 2 मार्च से उसी में इसकी सुनवाई हो जाए, तो ताकि आप लोगों को जो असमंजस बना हुआ है, जो इस सिचुएशंस बनी हुई है 18 मार्च वाली, उससे पहले दोस्तों आपका ये पूर्ण काम हो जाए, ताकि वैकेंसी बहुत जल्द से जल्द यहाँ पे पूरी हो सके। तो ये एप्लीकेशन फिलअप कर दी गई है, कहीं से भी कोई फेंक जानकारी दोस्तों नहीं दी गई है, आप लोगों के सामने है पूरा का पूरा। जो लोग समझते हैं हाई कोर्ट्स की थोड़ी सी डिसीजन को, परिभाषा को, तो वो यहाँ पर जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो जो चीज़ें अपडेट होती हैं वो ही यहाँ पर बताई जाती हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप ये देख सकते हैं, 6/2 रिजॉइंडर किया गया था, ठीक है। इस तरीके से तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, और आज इसको लेकर के एप्लीकेशंस फिलअप की गई है, हाई कोर्ट में दायर की गई है एप्लीकेशंस को, कि इसकी केस को अर्ली हियरिंग में लिया जाए। तो दोस्तों, ये बड़ा अपडेट है, और दुआ करता हूँ मैं भी कि ये केस अगले सप्ताह, यानी जो कल से जो सप्ताह परसों से स्टार्ट हो रहा है, उसी में इसकी हियरिंग हो जाए, ताकि आप लोगों को जो 18 दिन जो वेट करना था वो पहले ही खत्म हो जाए।